साहब, मैं तीन बार कह चुका हूं, चौथी बार कहता हूं और दस बार कहने के लिए मेरे पास धैर्य है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को ना डिटेन किया गया है ना अरेस्ट किया गया है, वो अपनी मर्जी से अपने घर में है और तबीयत खराब है तो सिविल अस्पताल के डॉक्टर जाकर उनको अस्पताल भी ले जाएंगे। सदन चिंता न करे, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑथेंटिक बयान दिया, उसके बाद डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। सुखबीर बादल जी, अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट, मसूदी साहब बैठे, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, सदन है। हाँ तो डॉक्टर को भेज देंगे। एक सेकंड ले जाओ, डॉक्टर को भेज देंगे। एक सेकंड अध्यक्ष जी, सुबह जब ये मुद्दा उठा मुझे मालूमात थी, मगर मैं रिकन्फर्म करना चाहता था। मैं मेरी ऑफिस में जाकर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से रिकन्फर्म करने के बाद इस सदन को जिम्मेदारी के पूर्वक स्टेटमेंट किया है। और मैं आपको बताऊं अधीर रंजन जी, तबियत ठीक नहीं होती है तो छोड़ते नहीं, अस्पताल ले जाते हैं। तबियत ठीक नहीं होती है तो बाहर नहीं आते। माननीय गृह मंत्री जी, स्पेशल नहीं प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी, एक स्पेशल टीम डॉक्टरों की ओर भिजवा दूंगा।